यह सवाल है कि बाज़ लोग ये तबलीगी जमात में जाते हैं और उनका दावा ये कि यही अल्लाह का रास्ता है, तो क्या वो लोग हक पर हैं? जवाब दें। देखिए, हम किसी मखसूस जमात के बारे में, चूँकि हमारा उस खिताबी सिलसिले में नहीं है, किसी मखसूस जमात के बारे में उसके बारे में सख्त बातें करना वगैरह, हम इससे परहेज़ करते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि तबलीगी जमात हो या कोई भी जमात हो, उसका तरीक़ेकार अगर क़ुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो वो अहले हक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और जो भी तबलीग का तरीक़ा बताया वो यही है कि आदमी पहले इल्म हासिल करे अहले इल्म से, और उसके बाद में लोगों की इस्लाह की, तरबियत की, तबलीग की कोशिश करे। इसी तरह से सीखे हुए लोग न सीखे हुए के पास जाएं, या न सीखे हुए लोग सीखे हुए लोगों के पास जाएं और दीन का इल्म हासिल करें। तबलीगी जमात में कुछ खूबियां हैं, अपनी जगह है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से उसको और दूसरों को भी नुकसान होता है। उनको चाहिए कि वो अपनी किताब तब्दील करें जिसमें बहुत सारे फासिद अकायद हैं, और इसी तरह से अपने दावती तरीक़े में इस्लाह करें, इल्म पर ज़ोर दें और जहालत के साथ दावत न दें, और आपस में जो तबलीगी है वही वाकई इंसान मानने लायक है, तबलीग के जो बाहर है वो हमारा दुश्मन है, उसको सलाम भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो भी। ये जो तासुब जमाती तासुब है, इससे अपने आप को बचाएं। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं कि आँख बंद करके हमारे जो बड़े बोलते हैं वही सही है, बड़ों की टेढ़ी भी सीधी होती है, इस तरह की जो बातें होती हैं, तो ये चीज़ें हम इसको सही नहीं मानते हैं। हम कहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो सही है वो सही है, उसकी रोशनी में जो गलत है वो गलत है। आँख बंद करके किसी के भी पीछे नहीं जाना है, ठोकर लग के सीधा गड़े में आदमी जाता है, बाज़ औक़ात ऐसे गड़े में जाता है बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारे नज़दीक अस्हाबुल हदीस अहलुल हक हैं, इसलिए कि इनका मनहज ही है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक सही सही, उसके खिलाफ गलत, जो भी है वो गलत है।